सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नीतिशतक के अग्रिम सप्तम श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक में बताया गया है कि मूर्खों के लिए मौन श्रेयस्कर है, इस संबंध में लिखा है। स्वायत्तम एकांत गुणम विदात्रा विनिर्मितम छांदम अज्ञताया विशेषत सर्विदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अन्वय है, विदात्रा अपंडितानाम स्वायत्तम एकांत गुणम मौनम अज्ञताया छादनम विनिर्मितम विशेषत सर्विदाम समाजे विभूषणम भवति। विदात्रा ब्रह्मा के द्वारा अपंडितानाम मूर्खों का स्वायत्तम स्वाधीन एकांत गुणम अत्यंत गुणकारी मौनम मौन अज्ञतायाः मूर्खता का छादनम आवरण निर्मितम बनाया गया है। विशेषतः विशेष करके यह सर्वविदाम विद्वानों के समाजे समूह में विभूषणम आभूषण होता है। अर्थ देखेंगे, विदाता ने अपंडिताना मूर्खों का स्वायत्तम अपने अधीन रहने वाला एकांत गुणम अत्यंत गुणकारी मौनम मौन को अज्ञताया मूर्ता के आच्छादनम आवरण के रूप में बनाया गया है। विदाता ने मूर्खों का सदा अपने पार रहने वाला अत्यंत हितकारी तथा मूर्ता को ढकने वाला मौन रूपी गुण बनाया है। विशेषतः सर्विदाम समाज विभूषणम भवति, जो विशेष विशेष रूप से सर्विदाम विद्वानों के समाज समाज में विभूषणम भवति सुशोभित होता है, जो विशेष रूप से विद्वानों के समाज में उनको सुशोभित करता है। भावार्थ है, अपनी मूर्खता को छिपाने का एकमात्र उपाय चुप रहना है। यद्यपि मौन अवलंबन मूर्खता का एकांत गुण या हितकारी साधन है, तथापि विद्वानों के समाज में उस मूर्ख व्यक्ति की शोभा अधिक ही बढ़ाता है, इसलिए मूर्ख के लिए मौन रहना श्रेयस्कर है। इसमें श्लोक में उपजाति छंद है, इसका लक्षण है, अनंत रोधी यदि लक्ष्म बाजो पादो यदि आप जाति हस्ता इत्थम किलन्या स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिसु किन्मयो नाम है। विद्वसंगति से ज्ञान उदय, यह है अग्रिम श्लोक है। यदा किंचित् ज्ञोऽहं दीप्युग्मदान संभवम् तथा तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत् अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुद्धजन सकाशात् अवगतम् तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो मे व्युत्पत्तः। अन्वय, यदा अहम किंचित ज्ञेय तदा दीप इव मदान संभवम सर्वज्ञ अस्मि इति मम मन अवलिप्तम अभवत्। यदा बुद्धजन सकाशात् किंचित किंचित अवगतम तदा अहम मूर्ख अस्मि इति मे मद ज्वर इव व्यक्त है।
सब तो कर देखेंगे। यदा जब अहम में किंचित ज्ञ अल्पज्ञ था, तदा तब द्वीप इव हाथी की तरह मदांध मदमस्त संभवम हो गया था। सर्वज्ञ अस्मि, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। इति इस प्रकार मानता हुआ मम मन, मेरा मन अवलुप्तम अभवत, गर्व से युक्त हो गया। किंतु यदा जब बुद्ध जन सकाशात विद्वानों के संसर्ग से किंचित किंचित कुछ कुछ अवगतम सीखा, तदा तब अहम मूर्ख अस्मि, मैं तो मूर्ख हूँ। इति ऐसा जानकर मे मदह, मेरा घमंड ज्वर इव ज्वर की तरह व्युत्पत्त दूर हो गया। अर्थ है, यदा हम किंचित जब मैं अल्पज्ञ था, तदा दीप इव मदान संभवम, तब मदमस्त हाथी के समान मदांध हो गया था। सर्वज्ञ अस्मि इति मम मन अवलुप्तम अभवत, और सर्वज्ञ अस्मि, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा मेरा मन गर्व से युक्त हो गया था। यदा बुद्धं सकाशात्, जब विद्वानों के संसर्ग से किंचित किंचित कुछ कुछ अवगतम मैंने सीखा, तदा अहम मूर्ख अस्मि, तब मैं मूर्ख हूँ। इति ऐसा जानकर मे मदय, मेरा घमंड ज्वर इव व्यक्त है, बुखार की तरह दूर हो गया। भावार्थ है, विद्वानों के संपर्क में न रहने वाला व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ मानकर घमंड करने लगता है, परंतु उसका यह ज्ञानजन्य घमंड तभी दूर होता है जब वह विद्वानों के संपर्क में रहकर कुछ सीखने का अवसर प्राप्त करता है। उत्तम औषधि से ज्वर उतर जाता है। इसी तरह अल्पज्ञ का घमंड विद्वानों के संपर्क से दूर हो जाता है। इस श्लोक में सिकरणी छंद है, जिसका लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग है सिकरणी। सिकरणी में क्रम से यगण मगण नगण सगण बगण लघुगुण होते हैं, और ये 17 वर्ण प्रत्येक पाद में होते हैं। संपूर्ण श्लोक में 68 वर्ण होते हैं।